जो नए वाले हैं इनको लगाएंगे। जी तो अस्सलाम वालेकुम, आज हम इसके GS150 के जो बैक साइड के जो ब्रेक्स हैं वो उसके लेदर चेंज करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम जो है वो हो गया है चेंजेस के नहीं किए थे, तो वो कब चेंज करने हैं वो भी इसमें डिटेल होगी, और उसके अलावा कैसे चेंज करने हैं वो भी इसमें डिटेल होगी, और इसकी जो प्राइस है वो क्या है वो भी मैं इस वीडियो के एंड पे बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आपको बीच में से कोई भी चीज़ स्किप ना हो। ये मैंने बेसिकली 3-4 दिन पहले ऑर्डर किए थे दराज से, तो ये मुझे कल रात में रिसीव हो गए थे, तो आज फिर मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर वीडियो बना लूं और इसको चेंज भी कर लूं। और अक्सर होता है कि जो पिछली ब्रेक है वो लगाने से आवाज़ भी एक आ रही होती है, सीटी सी आ रही होती है, वो भी क्यों होती है उसको भी ठीक करेंगे, क्योंकि इस पर भी आ रही थी, और वो कब होती है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो हमारे पास ये जो है टूल्स हैं, उस साइड पर जो नट है उस पर हम ये 17 नंबर की चाबी लगाएंगे, ठीक है, और जो ये है इस साइड का इस पर 19 नंबर की चाबी लगेगी। ये खोल लिया हमने, और ये फिर ये एडजस्टर होता है जो चेन जिसको हम सेट करते हैं, तो इसको आपने फ़िलहाल यहाँ से नहीं छेड़ना अगर आपकी चेन लूज़ नहीं है, ठीक है। वैसे चेन किस तरह टाइट होती है वो हम इस वीडियो में कर लेंगे या नेक्स्ट में कर लेंगे, अभी मेरी इसके हिसाब से चेन जो है वो टाइट हुई भी है, तो मैं इसको ऐसे ही रखूँगा। अब ये स्प्रिंग आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये अगर हाथ मेरा नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, तो जहाँ से हम ब्रेक को टाइट करते हैं ये काफ़ी टाइट हो गया, तो स्प्रिंग बिल्कुल एंड तक चला गया, तो ब्रेक कब चेंज करनी है वो मैं ज़रा इसको खोल दूँ, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि ब्रेक जो है वो हमें कब चेंज करनी होगी। नीचे ये जो इसका एक रॉड है ना जो हमारे ब्रेक का लीवर के साथ है, उसको भी हमें खोलना होगा, उसके अंदर एक लॉक होता है वो हम निकालेंगे ये चीज़, और ये दोबारा भी लगानी है। बेहतर ये है कि जो आप सामान उतार रहे हैं ना उसको आप दोबारा लगाते रहें, या साइड पे ऐसी जगह रखें जहाँ पे आपको याद रहे और वो गुम ना हो। ओपनर जो है वो 14 नंबर का है, उससे खुला है, इसको आप यहाँ पे रखेंगे ऐसे तो ये नट खुल जाएगा इजीली। ये जी खुल गया, ये हमारी ब्रेक का एडजस्टर है, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा उठा के नट को हम उस साइड से और खींचेंगे, फ्री हो गया, इधर से हम इस लीवर को निकाल देंगे, तो ये हब हमारे पास आ गया हमारा, ये हमारे पास इसके लेदर्स आ गए, ठीक है जी। उसके बाद ये जो चीज़ है अंदर की रेगमाल से साफ़ करेंगे, ये रेगमाल जो है ये 2000 नंबर का है, ये मैं अपनी गाड़ी शाड़ी पे यूज़ करता हूँ क्रैच वगैरह रिमूव करने के लिए, तो ये उतना मोटा नहीं है, आप मोटा वाला रेगमाल यूज़ करें वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अभी चूँकि हमारे पास रेगमाल मौजूद नहीं है तो हम फ़िलहाल इसी से गुजारा करेंगे, तो ये काफ़ी हद तक जो है साफ़ हो गया है। कुछ जो ब्रेक वाले होते हैं जब ब्रेक को सर्विस करते हैं तो वो इनको इस तरह साफ़ करते हैं, जब हम मैं भी जब ब्रेक को सर्विस कर रहा हूँ तो इनको हम थोड़ा साफ़ करके, क्योंकि स्लिपरी से हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं कहले, तो वो इस तरह ब्रेक सर्विस की जाती है, कि वो जो मैं आपको बता रहा था कि ब्रेक लगाने से जो आवाज़ आती है सीटी की वो इसकी तरफ से आ रही होती है, ये चीज़ यहाँ से, तो इसको हम एक तो साफ़ भी कर लेते हैं, दूसरा इसकी ऑयलिंग हमने यहाँ पर करनी है। अंदर से भी काफ़ी हद तक साफ़ हो गया है। अच्छा जी, अब हम जो नए वाले हैं इनको लगाएंगे, उससे पहले हमें ना ये ऑयलिंग करनी है इसकी, ये आप देख रहे होंगे ये चीज़ जो है इसको ऑयल करना है हमने, ताकि ये आवाज़ ना करे। उससे पहले इसकी साइड से थोड़ी सी और सफाई कर लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं रोज़ रोज़ तो उतरती नहीं है, ठीक है, तो उससे हमारी जो ब्रेक है ये आवाज़ नहीं करेगी। ये जो सुजुकी के हैं इनको हम चेंज करेंगे, ये देखिए ये जो हैं ये नए हैं और जो ये हैं ये पुराने हैं, तो आपको थोड़ा सा करीब से मैं दिखाऊं तो ये थोड़ा सा मुलायम है जो कि घिसे हुए हैं, और ये थोड़े थोड़े खुरदरे खुरदरे से हैं जिससे जो हमें ब्रेकिंग में हेल्प करते हैं।
तो इनको खैर अब हम रख देते हैं और इनको अब हम चलाएंगे या लगाएंगे। तो कहते हैं कि जो स्प्रिंग है ना वो ओरिजिनल के ही लगा देने चाहिए, और इसके ऊपर जब स्प्रिंग आप लगाते हैं तो इसके ऊपर ग्रीस वगैरह करना भी ज़रूरी होता है। ग्रीस मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो आप ऑयल भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसको ऐसे सिंपल सा रख के और ये हम इसको ऐसे कर देंगे, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है जी। तो जब हम ये ब्रेक करेंगे, जब हमने नया वाला जो है वो लगा दिया, ब्रेक करेंगे तो ये इस तरह खुलेगा और इससे जो है हमारी ब्रेकिंग होगी, ये चीज़ है, ठीक हो गया। ये अब ये हमारा हो गया है नया। तो इसको अब हम थोड़ा सा चले नीचे से भी साफ़ कर लेते हैं, बात वही है कि ये रोज़ रोज़ नहीं खुलती चीज़ें। अब हमने उसको ऑयल भी कर दिया है, अब हमारे पास चूंकि ग्रीस अवेलेबल नहीं है तो हम इन स्प्रिंग्स के ऊपर भी ऑयल कर देंगे। इसका कोई इतना बड़ा भी वो नहीं है, उसकी वजह बस सिर्फ ये है कि ये आवाज़ करते हैं अक्सर, तो उनसे जो अगर आवाज़ आनी भी हो तो वो नहीं आएगी, तो इसलिए इसको किया जाता है। अब हम इसको दोबारा फिट करते हैं। उसके बाद ये होती है इसकी गोटी, कहते हैं इसको या गोट बोलते हैं। ये हमने यहाँ से जब हम इस बड़े नट को निकालेंगे जो इधर से आगे बाहर निकलेगा, तो उसके बीच में ये यहाँ पर आएगी, आपने देखी भी होगी, उस तरह हम इसको लगाएंगे। ये जी हमारा आ गया है गोटी साइड से, इसको अब हम यहाँ पर टाइट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने एडजस्टर को लगाना है। एडजस्टर जहाँ पे हमारा था वहीं पे रहेगा, तो इससे हमारी जो चेन टाइट कुछ टाइम पहले मैं कर चुका था तो वो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी। ऑयल वगैरह ज़रूर किया करें ताकि नट जाम ना हो और चूड़ी स्लिप ना हो, ठीक है जी। ये हमने अब देख ली है 14 नंबर की गोटी जिससे हमने उसको खोला था, जो थी ना ये टाइट हो गई, यहाँ तक आया हुआ था नट मतलब एंड तक, तो अब ये बिल्कुल कोने पे आ गया। ये जी, तो हमारा आज का काम हो चुका है और इसकी जो कीमत है ये घर पे पहुंचने के बाद मुझे जो पड़े हैं वो तकरीबन 820 रुपये के पड़े हैं, 4 दिन में डिलीवर हुए थे जी। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा बाइक्स में, टूरिंग में, GS 150 में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।